महिंद्रा 265 डी आई भूमिपुत्र, ये ट्रैक्टर के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में फुल जानकारी देंगे। पहले आप यहाँ पर इसका लुक देख सकते हो, लुक कितना शानदार दिख रहा है यहाँ पर। और ये भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ट्रैक्टर है 39 HP की श्रेणी में। पहले आप इसका एक ग्राउंड बैकग्राउंड देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी जानकारी हम इस वीडियो में आपको हम देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और जरूर से करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले इस ट्रैक्टर की टायर्स की बात करते हैं, तो आपको फ्रंट टायर मिल जाता है 600 लाख में, और जो पिछला टायर है सबसे बड़ा वाला वो आपको मिलता है 12/4/28 के टायर में, और प्लस 13/6/28 के टायर में आपको मिल जाता है पिछला टायर। और चलते हैं, और पिस्टन की बात करें तो ये 3 पिस्टन में आता है 39 HP के श्रेणी में। और इसकी जो CC की बात करें दमदार इंजन की, तो इंजन आता है 2048 CC का इंजन आता है, वो भी दमदार इंजन आता है, बहुत अच्छा था, अच्छा वाला। और जो इसकी हम स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग ये नॉर्मल स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग में अभी अवेलेबल है 2023 में। और हम इसकी जो पंप की बात करें तो इसे बॉस का इनलाइन पंप दिया गया है इसमें। और अब इस ट्रैक्टर की PTO HP की बात करें तो 33.4 HP PTO पावर है, और ये 7 फीट का रोटोवेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि खेत पे गीली मिट्टी पे ये कितना शानदार काम कर रही है रोटोवेटर इस ट्रैक्टर पे महिंद्रा 275 DI में। इस ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक की बात करें तो 47 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, 47 का फ्यूल टैंक आता है, और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए फ्यूल टैंक बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। इस ट्रैक्टर की सबसे ख़ास बात करें तो ये हम डीजल के बारे में बात करने कि 1 घंटे में कितना एवरेज देता है ये, तो मैं बताता हूँ। आप जैसे ऐसी हार्ड काम करते हो जोताई और मताई के लिए, इस ट्रैक्टर का डीजल खपत बहुत कम से कम है। जैसे आप जैसे ऐसा हार्ड काम कर रहे हो जोताई और मताई का, तो इसमें लेता है आपका 3 से 3.5 लीटर का एवरेज लेता है 1 घंटे में। और जैसे आप डंपिंग का काम कर रहे हो, ढुलाई का काम कर रहे हो, ट्रॉली का काम कर रहे हो, तो इसमें आपसे 1.5 से 2 लीटर के एवरेज देगा। जैसे आप महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में बात करोगे ना, तो महिंद्रा ट्रैक्टर अपने डीजल खपत के लिए और अपने माइलेज के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत बढ़िया होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भाई को जिस भी ट्रैक्टर के बारे में वीडियो चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दे कि हमको इस ट्रैक्टर के बारे में रिव्यू चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं उस ट्रैक्टर के बारे में जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ।